हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब यहां उपस्थित, हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी जो शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं, हमारे साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित आपके स्थानीय विधायक सोनू जी, यहां उपस्थित विधायक विनोद सिंह जी, यहां उपस्थित जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष गण, जिला के आयुक्त उपायुक्त पुलिस कप्तान सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहां इस कार्यक्रम में गिरिडीह जिले के 13 प्रखंड, 4 अनुमंडल और लगभग 350 पंचायतों से आए हुए आप सभी किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आर अबोरेन गोबाबा भोया मिश्रा को, मजी अड़ाम गुड़ित नायके को, सनाम खोन पहल अलिंग सेन खोन अडी अडी सराव आर गुन मनाव जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार इस कार्यक्रम के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का उद्देश्य और सरकार की मंशा क्या है। हमारा यह झारखंड प्रदेश जंगल, पहाड़, नदी, नाला ऊंचे नीचे पहाड़ों से बनावट वाला ये राज है और हमारे लोग इस राज के ऐसे ऐसे कोने कोने में रहते हैं, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ के नीचे, कोई नदी के किनारे, ऐसे कोने कोने में रहते हैं, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ के नीचे, कोई नदी के किनारे, एक घर दो घर बसा बसा करके लोग अपना अपना जीवन यापन करते हैं और हमेशा से ये बातें सुनने को मिलता है कि सरकार की योजना तो दूर की बात है, ना सरकार की आवाज जाती है, ना सरकार की पदाधिकारी जाती है, ना सरकार का नजर उन तक पहुंचता है। इसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने पहला चरण आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया था और जिसके माध्यम से लगभग 6,000 शिविरों का आयोजन हुआ था। किसी पंचायत में किसी घर के, किसी ग्रामीण के घर के सामने आपके आस पड़ोस में ये शिविर लगता था और जो पदाधिकारी कभी भी उन जगहों पर नहीं जाते थे वहां पर पदाधिकारियों को पहुंचकर भेजकर आपकी समस्या और आपका समाधान करने का हम लोगों ने प्रयास किया था और उन 6,000 शिविरों के माध्यम से लगभग
35-40 लाख आवेदन हमारे पास आए थे और उन आवेदनों का लगभग 99% समस्या का समाधान भी राज्य सरकार ने अब कर दिया है। लेकिन वही बातें पूरी नहीं होती है। अभी तो 20 सालों का जो हमारे विरोधियों के द्वारा इस राज को जो तहन नहस किया गया था, उस राज को फिर से जीवंत करने का संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जो घाव इन लोगों ने इस राज को दिया है, उस घाव को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके लिए आप सब लोगों का भी, सरकार का सहयोग बहुत ही जरूरी है। आपका आशीर्वाद सरकार के लिए बहुत जरूरी है। आज उसी कड़ी में जो आपके लिए सरकार योजना बनाती थी, पूर्व में 20 सालों में आपके लिए जो योजना बनी, उन सब को इन लोगों ने आपस में बंदर बांट करके कागज कलम में ही खा करके खत्म कर दिया। और आज आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। बस आपको उस योजना को अपना घर में ले जाना है ताकि आप उसका लाभ ले सके। आप उन योजनाओं से आने वाले पीढ़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था खड़ा कर सके, उनके लिए बढ़िया रास्ता बना सके, ये हमारी सोच। आज आप सब लोगों को मालूम है, इस राज्य में गरीब की संख्या बहुत है। इस राज्य में हमारे इतने गरीब लोग हैं कि खाना पीना तो छोड़ दीजिए, तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं होता था। हमने भारत सरकार से कहा था, जो इस राज्य में हमारे विरोधी लोग हैं, इन्हीं लोगों का दिल्ली में सरकार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि हमारे राज्य में मजदूर किस्म का लोग सबसे अधिक है, गरीबी हमारे राज्य में सबसे अधिक है, देश का सबसे पिछड़ा राज्य है ये झारखंड। और कोरोना में आपने देखा कि इस राज्य से सबसे अधिक लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने जाते थे, मजदूरी करने जाते थे। आज इस राज्य के हर गरीब, हर बुजुर्ग, हर विधवा महिला, हर एकल महिला को हम पेंशन देना चाहते हैं। आप हमें इसमें मदद कीजिए। लेकिन भारत सरकार ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन जब हमने देखा कि भारत सरकार अब इस पर कोई निर्णय नहीं लेना, तो हम लोगों ने अपने से संकल्प लेते हुए इस राज्य के हर पेंशन को हम लोगों ने सर्वजन कर दिया। अब इसमें कोई एपीएल बीपीएल नहीं, सभी वृद्धाओं को पेंशन, सभी विधवाओं को पेंशन, सभी एकल को पेंशन देने का योजना, और वो भी एकदम सुनिश्चित समय पर, महीना के 5 तारीख तक में वो पेंशन आपके खाते में जाने का भी हम लोगों ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। कोई भी विलंब पेंशन में नहीं होना चाहिए। और तो और 20 सालों की हमारी विरोधियों की जो सरकार थी, आपने देखा होगा पिछला बार देने का तो छोड़ दीजिए, ये जमाती ऐसी रही है, ये देते वेते नहीं है, ये आपके पास जो है वो छीन लेने वाले लोग हैं। और उसी का परिणाम था, जो गरीबों को राशन दिया जाता था, लगभग 11-12 लाख राशन कार्ड तक इन लोगों ने डिलीट कर दिया था। वहीं जब हमारी सरकार बनी, आज हम लोग अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड जोड़ करके गरीबों को हरा राशन कार्ड देने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है,
इनको पूंजीपति और व्यापारियों से लेना देना है। अनेकों योजना है जिसको आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जो विशुद्ध रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। चाहे वो पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से हो, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से हो, चाहे ध्यान से शांति शांति नहीं तो थोड़ा सा तार वार सट गया था, ध्यान से खड़े रहिएगा, तार वार इधर उधर रहता है, थोड़ा सा सबको ध्यान रखिएगा, कोई किसी को पैर वैर में ना लगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा फटाका फूटा था। तो कई ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं हर बातों को कहना शुरू करूंगा तो आज दिन भर भी हम बोलेंगे तो बातें खत्म नहीं होंगी। आज इतनी सारी योजनाएं आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं, आज हमारे लिए काफी गौरव की बात है। कल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, बालिका दिवस भी था, और आज हम लोग इस मंच से सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये हमारी बच्चियों के लिए, हमारी स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चियों के लिए, हम लोगों के लिए काफी गौरव का दिन है। आज इस योजना के माध्यम से लगभग 9 लाख बच्चियों को हम लोग सावित्री बाई फूले किशोरी योजना के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं, और जब वो बच्ची 18 साल की होगी तब उसको 40 लाख रुपए तक हम लोग देने का काम करेंगे। और बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो हम लोग लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हर जिला में एक नया स्कूल मॉडल स्कूल बन के तैयार हो रहा है, और हमारा संकल्प है, क्योंकि 2 साल हम लोग कोरोना में फंसे रहे, आप सब लोगों को मालूम है कोरोना ऐसा था कि सबको घर द्वार में ताला लगा करके बंद करके रहना पड़ा। 2 साल के बाद जब हम लोगों ने काम शुरू किया, आज उसी के परिणाम के अनुरूप हम लोग हर जिला में एक मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं, सरकारी मॉडल स्कूल, और वो ऐसा स्कूल होगा जो यहाँ इस राज्य के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उससे भी बेहतर स्कूल हम लोग साबित करेंगे। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों को देखकर काफी आकर्षित होते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो इन स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने यह संकल्प लिया, क्यों नहीं अब राज्य सरकार के स्कूलों को भी ऐसा स्कूल बनाया जाए जो प्राइवेट के बराबर और उसके टक्कर का हो, और उसी स्तर का शिक्षक हो, उसी स्तर का पढ़ाई का भी व्यवस्था हो। और अगला सत्र से हमारा प्रयास है कि उन स्कूलों को प्रारंभ करने का, लगातार इसमें काम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस राज्य में हमारे जो कल्याण विभाग के हॉस्टल हुआ करते थे, और वो कल्याण विभाग के हॉस्टल जब से बने कभी नहीं वो बना, और वो आज पहली बार पूरे तरीके से जीवंत हो रहा है, और तो और उन बच्चों को वहां पर रसोईया भी उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प है, और वहां पर चौकीदार भी उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प। आज यहां लगभग 350 पंचायतों से आप लोग आए हुए, अलग अलग संवर्ग, अलग अलग योजनाओं से आच्छादित लोग भी यहां मौजूद हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को कई उम्मीदें सरकार के साथ बंधी पड़ी है, क्योंकि सरकार जो पहले की सरकार थी ना सुनती थी ना करती थी, वो सिर्फ लाठी चलाना जानती थी,
और गरीबों का जान लेना जानती थी। आज ये सरकार सुनती भी है और लोगों का काम भी करती है। आज उसी का परिणाम है, आज हमारे पारा शिक्षक हो, चाहे वो सहायक पुलिस हो, चाहे जिला बल के पुलिस हो, चाहे सरकारी कर्मचारी का पुराना पेंशन स्कीम हो, चाहे हमारे इस राज्य के बूढ़ा बुजुर्गों लोगों का पेंशन का स्कीम हो, कई ऐसी योजनाएं अभी हमारे शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 25,000 नियुक्तियां निकलने जा रही है, जिसके माध्यम से हम बड़े पैमाने पर अपने आने वाले पीढ़ियों को नौकरियों से जोड़ने का काम करेंगे, शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। इतिहास हो गया इस 20 वर्षों में, जेपीएससी जो कभी भी बिना विवाद का परीक्षा नहीं कराता था, उस जेपीएससी के माध्यम से इस बार हम लोगों ने 2,500 बच्चों को बिना विवाद किए नियुक्ति दिया है, और आज वो कहीं बीडीओ, कहीं सीओ, कहीं हमारे कलेक्टर बन करके तैनात हो गए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उन सभी कलेक्टर बीडीओ सीओ में जो हम लोगों ने 250 बच्चों को नियुक्त किया, उन सब में 33 बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी का माता पिता आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है या फिर कोई मजदूर क्या बेटा बेटी है, ऐसे बच्चों को हम लोगों ने नियुक्त किया है। ये सुनकर खुशी होती है। आज उसी तरीके से यहाँ पर देश विदेश में भी पढ़ने के लिए हमारे हुनार बच्चे चाह करके भी नहीं जा पाते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था। आज हम मरांगों के पारदर्शी योजना लाए हैं, जिसके माध्यम से विदेशों में ST SC OBC के बच्चों को 100% स्कॉलरशिप में पढ़ने के लिए हम भेजने का काम कर रहे हैं। कई ऐसी है, आज बहुत सारी समस्या है जो 20 साल में इन लोगों ने इस राज्य को समस्याओं के जंजाल में ढकेल रखा है, 20 दिनों में ये चीजें संभव नहीं है कि समस्या का समाधान होगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर इच्छा शक्ति हो तो हर समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए सब्र के साथ, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा, तभी समस्या का समाधान होगा। आज इस राज्य में हमारी प्राथमिकता है हमारे ग्रामीण लोगों के लिए, उनके आर्थिक रूप से उनको कैसे समृद्ध बनाया जाए, उनके आय के संसाधन कैसे बढ़ाए जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से, बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से, फूलो जानो योजना के माध्यम से महिला हो, नौजवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी लोग उसका आप लाभ ले सकते हैं। आज सरकार आपके लिए दरवाजा खोल के खड़ी है। आज आप बैंक के पास जाते हैं कोई रोजगार सृजन करने के लिए, लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको कितना पैसा देता है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, और कितना भारी भरकम इंटरेस्ट लगा करके देता है वो भी आपको पता है। आप लोग कोई गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल अगर आप लोग लोन में लेते हैं, अगर एक केस फेल हो गया तो दूसरे दिन लठेत लेके पहुंच जाता है और आपका गाड़ी खींच के लेके चला जाता है। आज वही पर सरकार कम इंटरेस्ट पर आपको बड़े पैमाने पर लोन देने का दरवाजा खोलिए। कई ऐसी चीजें, अगर बोलते बोलते आदमी थक जाएगा लेकिन योजना खत्म नहीं होगा। आज इसीलिए सरकार आपके द्वार के माध्यम से जो चीजें ब्लॉक कार्यालय, जिला कार्यालय में होता था, उन कार्यों को हम आपके पंचायतों में, आपके गांव में लेके जा रहे हैं। अगर आप लोग आगे नहीं आके बढ़ेंगे तो फिर पदाधिकारी यूं ही चुपचाप बैठे रहेंगे। आज पदाधिकारियों को सख्त निर्देश के साथ आपके बीच में भेजा जा रहा है, और पिछले बार जो कमी बेसी हुई है उन सभी को फिर से तंदुरुस्त किया गया है। इस बार कोई फाकीबाजी नहीं चलेगा। इस बार हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है, हर दिन इसकी मॉनिटरिंग होगी, हर हफ्ता इसका रिव्यू होगा, और जब हम लोगों का स्थापना दिवस 14 नवंबर का दिन आएगा, उस दिन आज इस योजना का समापन होना है। और इस बार बड़े लक्ष्य के साथ हम
इस योजना को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं ताकि आप स्वरोजगार के माध्यम से जो सड़कों में भटकने की जरूरत पड़ती थी उसका जरूरत नहीं पड़े। चलिए आप लोग भी यहां पर आए, आप लोगों से भी बात करेंगे। इसलिए कई चीजें हमारे विरोधी, आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा कि आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का शुभारंभ हो रहा है। आज अखबार के माध्यम से हम लोगों ने अपने विरोधियों को भी और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सबको न्योता देने का काम किया है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, सभी को। लेकिन आज इस मंच में आप देखेंगे हमारे विरोधी लोग एक भी नजर यहाँ नहीं आ रहे हैं। और ये काम क्या कर रहे हैं, आज रांची में बैठ करके सभी नेता लोग मिलकर के सरकार के खिलाफ में षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है। अजीब हालत, ये लोग आज सिर्फ अखबारों के माध्यम से सरकार के छवि खराब करने में लगी है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि गरीबों का हम पेंशन दे, इनको अच्छा नहीं लग रहा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का समस्या का समाधान करें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये पुरानी पेंशन हम लोगों के लिए लागू करें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि 1932 का खतियान लागू हो, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ओबीसी को 27% का आरक्षण लिया। और आज इन प्रकार ये सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का और कोर्ट कचहरी का डर दिखा करके इनको लगता है कि इस राज्य का आदिवासी दलित कहीं से कमजोर नहीं है। अगर कमजोर है तो ये कोर्ट कचहरी इनको कराओ और वहीं ये लोग घुटना टेकेंगे। लेकिन ये भूल जाए कि अब वो लोग जो इनके सपने हैं उनको चूर करने की भी क्षमता आज हम में पैदा हो गई है। इनके सारे मंसूबे पर पानी फेरने का भी काम हम लोग करेंगे। आज इस राज्य सरकार अपने काम के बदौलत इनकी आवाज को बंद करेगा, इनके षड्यंत्र को समाप्त करेगा। आज सरकार के योजनाओं के बदौलत आज घर घर में, गांव गांव में सरकार कोई ना कोई योजनाएं सरकार उन लोगों ग्रामीणों को दे रहा है, किसानों को दे रहा है। आज यहाँ सरकारी कर्मचारी से लेकर के ग्रामीण तक के चेहरे पर मुस्कान है। नहीं तो पिछले 5 साल को याद कीजिए, धरना प्रदर्शन करते थे तो कितना लाठियां खाना पड़ता था। आज सरकार लाठियां नहीं बल्कि सरकार को लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही। पहले हम सुनते थे कि विधायकों का, मंत्रियों का, और हमने देखा भी है कि अपनी समस्याओं को लेकर चाहे किसी भी दल का विधायक हो, किसी भी दल का मंत्री हो, सबका घर घेरा होता था और अपनी मांग के लिए लोग इकट्ठा होते थे। ये पहली बार ये देश में ये राज है जहां यहां पर जनप्रतिनिधियों का आभार स्वागत के लिए लोग घर घेराव कर रहे हैं। लेकिन इतना से खुशी होने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है चलना 20 सालों में। यही वो मंच है जहां आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी राज अलग करने का हजारों बार आह्वान कर चुके थे, लेकिन हम लोगों ने इस राज को पाने में 40 साल लगा दिया। तो क्या आपको उम्मीद है कि जो 20 साल इन लोगों ने इस राज को बर्बाद किया ये 1.5 साल में ठीक होगा? आज इस राज के साथ चुनौती, अभी हम लोग सरकार बनाए नहीं कि कोरोना हम लोग को घेर लिया और जब सरकार कोरोना से बाहर आया तो ऐसा स्थिति विषम बारिश का हुआ कि राज सुखाड़ की स्थिति में आ गया। आज किसान त्राही माम है, बारिश अनठिकाना गलत गलत समय में हो रहा है। आज जितना भी धान लगा था वो धान अब घास का रूप ले लिया, अब वो घास क्या इंसान खाएगा? अजीब स्थिति है। गरीबों के लिए तो हमेशा चुनौती रहा है, लेकिन गरीब के साथ अगर हम खड़े हैं तो आप लोग को इस विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ा होना होगा कि इस राज्य का अगर विकास होगा तो सिर्फ हमसे नहीं आप लोगों के साथ मिलकर किया जा सकता है। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं,
हम आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा, तभी हम मंजिल पर पहुंचेंगे। आज कई ऐसे लोग हैं जिन तक अभी हमें पहुंचना है। हर एक व्यक्ति तक इस राज के 3.25 करोड़ लोगों तक हम पहुंचेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आंधी तूफान आता रहेगा, लेकिन सरकार का जो कदम है वो कभी नहीं रुकने वाला। कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगातार लगे हुए हैं हमारे राज्य में। यहाँ के एक बहुत प्रमुख नेता आज बने हुए हैं, अघोषित विधायक दल के नेता बने हुए हैं, जिनको कोई मान्यता भी प्राप्त नहीं है, और लगातार अखबारों में हेडलाइन छपवा रहे हैं, भ्रष्ट सरकार, घोटालेबाज सरकार, अजीब हालत है। क्या भाई पेंशन का पैसा क्या आप लोग हमको दे रहे हैं? क्या क्या वृद्धा पेंशन हमको मिल रहा है? क्या क्या दाल हम आप लोग का राशन नहीं पहुंच रहा है? क्या आज इनको ये नहीं दिखता किस मुंह से बोलते हैं, किस नीयत से बोलते हैं, और किस इनकी मानसिकता है, इनकी ये समझ से परे। आदरणीय विधायक दल के नेता, हमारे विरोधी के जो अपने आप को घोषित कर रखे हैं लोकसभा चुनाव में, हमारे साथ वो चुनाव लड़े, जहां तहां उनके लिए प्रचार किया, नाम नहीं लेना चाहते, जहां कहा वहां उनके लिए प्रचार किया, लेकिन अन्नपूर्णा देवी जी ने उनको 5 लाख वोट से हरा दिया, तो मेरा क्या गलती है बताओ? और उन्हीं के साथ जाकर के बैठे, दो दो विधानसभा से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार खा गए, उसमें हमारा क्या गलती बताओ? लेकिन जबरदस्ती ताल ठोके हुए हैं, और किस मोह माया में ठोके हैं या ठोक रहे हैं, और आगे भी ठोकेंगे भगवान जाने, लेकिन उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को चिंता करना है अपना घर द्वार का, अपने अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए और अपने बाल बच्चों के लिए, अपना खेत खलियान के लिए। आज हम लोग जब समय से पहले बीज लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो समय पर बारिश नहीं हो रहा है। अब इसमें सरकार क्या करेगा बताओ? पहले तो समय पर बीज नहीं मिलता था, समय पर खाद नहीं मिलता था, और समय पर बारिश हो जाता था, और आज सब समय में मिल रहा है तो बारिश समय पर नहीं हो रहा है। अजीबोगरीब स्थिति है। इन सभी चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, और अब झारखंड का किसान भगवान भरोसे ना रहे, आने वाला समय में अगला चुनाव के बाद आपका आशीर्वाद रहा तो विशेष रूप से हम लोग किसानों के लिए, इरिगेशन के लिए बड़े पैमाने पर काम करेंगे, और हर खेत में 12 महीना पानी कैसे उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था करेंगे। आप लोगों को बड़े पैमाने पे कुछ समस्याओं को झेलना पड़ता था, बिजली को लेकर, ये बात सही है, बिजली को लेकर दिक्कतें पहले से, जो इन लोगों ने जिस तरीके से जोड़ घटाव कर रखा था वो तो होना ही था। आज उन समस्याओं का समाधान करने का एक पहला कड़ी हम लोगों ने शुरू किया कि आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 यूनिट बिजली हम फ्री देना चालू कर दिए हैं। ये भी आप लोग जान लीजिए, आप लोग को बिल बिल देने की जरूरत नहीं। और हमारे शहर में रहने वाले लोग, जिसको नगर निगम, नगर इकाई बोलते हैं, नगर परिषद बोलते हैं, यहाँ का लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, अपना पेड़ पौधा काट करके बिल्डिंग बना लेता है, कॉन्क्रीट का जंगल बना लेता है, इन लोगों के लिए भी हमने योजना लाया है कि एक पेड़ लगाओ और 5 यूनिट बिजली फ्री पाओ। जितना बिजली
फ्री चाहिए उतना पेड़ लगाओ, और इस राज को अगर हरा भरा रखना है, स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा हवा रखना है, तो आप लोगों को प्रकृति से प्रेम करना सीखना होगा, आदिवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा। तो ना के बोया को तह नोडे अब होड़पोन को आया मेना पिया तह नोआ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में हो कंताबोना नोआ पंचायत पंचायत रे अतु अतु रे नोआ शिविर लगा तबोना आय मालिकान योजना है आपे लगी ले जो बिनाओ का ओना कुप लई सुदर पिया आपे ओंडे फोरम पे भराव दाड़े आ आर योजना रे लाभ पे हताव दाड़े आर हांडे नोंडे हिजू सेनोरिया दरकार बनुआ आपे पहिल ब्लॉक को रे सेनो कना हिजू कना कमी बांग बिरा कांता है आपे एकेन दरखास्त भरा पे ओना दरखास्त अका का टेबल रे सेनो कना ओ कोई कोई पदाधिकारी कमी दाय ओ कोई कोई पदाधिकारी बाय कमी दा ओना रे सनाम मिमी दिन रे ओना रे रिपोर्ट ले हतावा आज मिमी हफ्ता रे ओना रे समीक्षा ले दोया आज 14 नवंबर पहिल रे नोआ सनाम समस्या रे समाधान आले बिना समाधान उडुक लगी ले छे संकल्प का ओना तो नोआ योजना रे शिविर रे आपे सेटेरो पे जहां पेंशन को रे पे सारे भरे एकाना ओना को भोरा पे चाहे हड़ाम बुढ़ी को चाहे विधवा गोगो और को चाहे एकाई गोगो हड़े तहन कान उन्हीं चाहे दिव्यांग बिना है उन्हीं आपे सनाम पेंशन लिया हकदार के नापे एपीएल बीपीएल या दरकार बनुआ राशन कार्ड हो हटी को और आप जे योजना हथाव सुनाए पिया आपे बिरसा हरित ग्राम योजना ते फलदार धारे पे रोहे दाड़े आ आरो आय मालिकान गाड़ी मोटो ट्रैक्टर को हटी हो गना उना को हथा पे और उना को माध्यम ते अपना स्वरोजगार तैयार पे गाय डंगरी सुकरी सीम सनाम को जहां तिना असूल सुनाए पिया अनुदानित दर ते आपे उना लोन सरकार एमो लगी है कानूने बिना होगा उनाते आयमा रहो कथा मिना नेता रहो चार साढ़े चार बजी या कार्यक्रम रांची रे आरो मीटिंग में आडी लटू उनाते निया गे मेन बड़ा करते आयमा को शिलान्यास उद्घाटन हुई ना आज यहाँ लगभग जो हमको जानकारी प्राप्त हुआ है इस जिला में लगभग 100 करोड़ का सड़क की योजना है ग्रामीण और पथ विभाग के माध्यम से चल रहा है इसका भी शिलान्यास और कुछ उद्घाटन भी है और इसके अलावा यहाँ पर मजदूरों को लेकर क्योंकि ये गिरिडीह जिला से बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन करते हैं और यहाँ पर बड़ा विचित्र चीज भी कहा जा सकता है कि 20 वर्षों में और वो भी डबल इंजन की सरकार में जब उस समस्या का समाधान नहीं हुआ आज उस समस्या का समाधान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है जैसे हमारा तीसरी है सतगावा है देवरी है राजधनवार है जहां मायका उद्योग चलता था आज उन सभी उद्योगों को इन लोगों ने डकैती चोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा था 20 सालों में और उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ आज उस मायका उद्योग का समस्या का समाधान के लिए हम लोगों ने कैबिनेट से उस पर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है और बहुत जल्द ये मायका उद्योग का एक व्यवसायिक व्यवस्था कैसे स्थापित हो ये इन क्षेत्रों को के सामने हम लोग लाने जा रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो मजदूर हमारे पलायन करते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं कोई सांप काटने से कोई पानी में डूबने से कोई हाथी के प्रकोप से या और कोई आपदा से मर जाने के उपरांत इनको जो मुआवजा सरकार देती थी किसी में 4 लाख किसी में 1 लाख किसी में 2 लाख का प्रावधान था उन सभी को एक समान रूप जितनी भी इस तरीके की मौतें होंगी इस राज के अंदर उन सभी मौतों में 4 लाख रुपया कम से कम लोगों को दिया जाएगा ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ।
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बातें छूट गई हैं, लेकिन इसके लिए आज सरकार का जो ये शिविर होगा, इस शिविर में पहुंचकर उन योजनाओं का जानकारी ले। कई छात्र छात्राओं के लिए भी हम लोगों ने योजना प्रारंभ किया है, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए नए नए रास्ते खोल रहे हैं। आज हम लोगों ने पहली बार छात्रवृत्ति में दुगुना तिगुना वृद्धि किया है। हमारे जितना भी जो झारखंड बोर्ड से जो हमारे मंत्री जी हैं, शिक्षा पर अभी लगातार काम कर रहे हैं, जगन्नाथ मातो जी, हमारी सरकार जब आई थी और इससे पहले भी जब थी, जो इस राज्य में झारखंड बोर्ड में टॉप करता था उनको 3 लाख 2 लाख और 1 लाख रुपया क्रमशः करके हम लोग दे रहे थे, लेकिन पूर्व की सरकार ने वो भी बंद कर दिया था और अभी पता चला है कि उसमें कटौती कर दिया गया है। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं और ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि झारखंड बोर्ड के अलावा CBSE और ICSE बोर्ड से जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे उनको पुनः 3 लाख 2 लाख और 1 लाख रुपए का पुरस्कारित सम्मान राशि उपलब्ध कराने का काम हम लोग करेंगे। और खेल के क्षेत्र में तो हम लोग आगे बढ़े ही हैं। पंचायत पंचायत में हम लोग का खेल मैदान बन रहा है, हर प्रखंड कार्यालय प्रखंड में स्टेडियम निर्माण करने का संकल्प है और बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों को, ये जो आप गांव-गांव में खेलते थे फुटबॉल हॉकी और तीरंदाजी करते थे, अब इन सब खेल को प्रोत्साहित करके अब आपके गांव से निकाल करके विदेशों ओलंपिक और एशियाड में ले जाने का काम करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। तो आप खेल के माध्यम से भी हमारे नौजवान आगे आ सकते हैं। आज हमारे बच्चियां खेल के माध्यम से देश विदेश में कई गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, देश का कप्तानी भी कर रही हैं। कितनी गौरव की बात है, पहले क्यों नहीं हुआ? 20 सालों में ना नियम बना, ना कायदा बना, ना कानून बना, और सब लूट का बाजार बना के रखा। तो इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।